मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खजुराहो से बीजेपी उम्मीदवार वीडी शर्मा के समर्थन में नामांकन रैली की और नामांकन रैली में उन्होंने भाग लिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं उस क्षेत्र से हूं जहां 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी बीजेपी का पटका पहनना मतलब मौत का सामान घर लाना ऐसा वातावरण हुआ करता था। उस क्षेत्र में माथे पर तिलक लगाना, होठों पर राम का नाम होना और अपने आप में ये सब चीजें राजनीतिक अभिशाप माना जाता था। जिस क्षेत्र की मैं प्रतिनिधि हूँ उस क्षेत्र में हाथ तो था लेकिन संग संग साइकिल भी चलती थी। मैं उस क्षेत्र से हूँ जहाँ हाथ को साफ किया गया और साइकिल को पंचर किया गया। उस क्षेत्र से हूँ जहाँ पर 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनना मतलब मौत का सामान घर लाना ऐसा वातावरण हुआ करता था। उस क्षेत्र में माथे पर तिलक लगाना, होठों पर राम का नाम होना अपने आप में एक राजनीतिक अभिशाप माना जाता था। जिस क्षेत्र की मैं प्रतिनिधि हूं उस क्षेत्र में हाथ तो था ही कांग्रेस का लेकिन संग संग साइकिल भी चलती थी। वीडी भैया, मैं उस क्षेत्र से हूँ जहाँ पर हाथ को साफ किया गया, साइकिल को पंक्चर की गई और आज वही बहन आपके क्षेत्र आई है। ये जमाना है वंदे भारत का, वो आज भी साइकिल पर चलते हैं। ये जमाना है बुलेट ट्रेन का, वो आज भी साइकिल पर चलते हैं और इस विश्वास के साथ मौज लेते हैं कि उनका जो गठबंधन है वो गठबंधन एक दूसरे की राजनीतिक सत्ता का समर्थन का गठबंधन है। आप जिस गठबंधन जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो ऐसा जो लोकतंत्र की रक्षा और लोकतांत्रिक ढांचे में जनता जनर्दन